दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई, जिसके चलते उन्हें 34,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल केजरीवाल की बेटी ने एक पुराने सोफे को बेचने के लिए ओलेक्स पर डाला था। सोफे की जानकारी सामने आने के बाद एक शख्स ने केजरीवाल की बेटी से संपर्क किया। उसने उससे सोफा खरीदने की इच्छा जताई। इस दौरान मुख्यमंत्री की बेटी को भनक तक नहीं लगी कि खरीदार की शक्ल में बात करने वाला साइबर ठग है। ठग ने केजरीवाल की बेटी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। मुख्यमंत्री की बेटी के अकाउंट में बेहद कम रकम डाली गई। रकम केजरीवाल की बेटी के अकाउंट में आ गई, जिससे उनका विश्वास हो गया कि रकम ट्रांसफर करने वाला शख्स असली खरीदार है, फर्जी नहीं है। इसके बाद उस शख्स ने केजरीवाल की बेटी को एक QR कोड स्कैन करने के लिए कहा। उन्होंने जैसे ही बार कोड स्कैन किया, उनके अकाउंट से 20,000 रुपए गायब हो गए। केजरीवाल की बेटी ने पलटकर फोन किया और घटना के बारे में बताया। उसके बाद जवाब में शातिर ठग बोला कि गलती से हो गया है, इस बार नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर साइबर अपराध की घटना का CM की बेटी को सामना करना पड़ा। उनके अकाउंट से 14,000 रुपए गायब हो गए। लास्ट में केजरीवाल की बेटी को समझ आया कि उसे ठगी का शिकार बनाया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।